हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आपको टॉपिक से पता चल ही गया होगा कि किस बारे में ये वीडियो है। जी हाँ, ये वीडियो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपने तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले मेरा वज़न जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, और इसी महीने में मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया था, और मैंने अपना वज़न 5 से 6 हफ्तों में 5 से 6 किलो कम किया था। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से। क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये मैं आपको बताऊंगा। और अभी मेरा वज़न थोड़ा सा एक से दो केजी के आसपास बढ़ गया है, क्योंकि शूटिंग पे आपको पता ही है, खाना वाना खाने में ये वज़न जो है थोड़ा बढ़ ही जाता है, शूटिंग का खाना खाओ तो। तो अभी मैंने फिर से आज से शुरू किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है, ये आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या खाना है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको कब कब खाना है। आपको क्या क्या खाना है ये बिल्कुल नहीं बताता। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक खाने का टाइम पीरियड है कि आपको कितने समय में खाना है और कितने समय में आपको फास्टिंग रखनी है, ये आपको बताता है। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे रूल्स हैं जो लोग करते रहते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर वाला जो पीरियड है, सबसे पॉपुलर वाला जो रूल है, वो मैंने लास्ट ईयर भी किया था, और वही सबसे ज़्यादा लोग करते भी हैं, और अभी भी मैंने उसी रूल को फॉलो किया है। तो ये क्या रूल है, ये है 16:8 का। मतलब आपको 16 घंटे तक फास्टिंग रखनी है, यानी 16 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, और 8 घंटे के विंडो में आपको खाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ये जो 16 घंटे का पीरियड होता है, इसमें सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, जो हमारा फास्टिंग पीरियड होता है, पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, और बिना दूध वाली चाय, बिना शक्कर वाली चाय पी सकते हैं, जैसे ग्रीन टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं। और जो 8 घंटे का पीरियड है जिसमें हमें खाना है, उसमें भी बहुत ही लिमिटेड डाइट होनी चाहिए आपकी। मतलब ऐसा कुछ दबा के नहीं खाना है, बहुत ही लिमिटेड डाइट होनी चाहिए, और वो जो टाइमिंग है वो आपको डिसाइड करना होगा कि कब से कब आप खाएंगे और कब से कब आप फास्टिंग रखेंगे। मतलब कौन सा 16 घंटे आप फास्टिंग रखेंगे और कौन से 8 घंटे आप खाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो फास्टिंग का पीरियड है वो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक का है, यानी दिन के 12 बजे तक का, और मैं 12 से 8 के पीरियड में ही खाना खा रहा हूँ। जो मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस वो जो पीरियड है वो है 12 से 8, यानी दिन के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। तो मैं जो है अपना पहला डाइट मैं लेता हूँ दिन के 12 बजे, फिर शाम के 4 बजे हल्का फुल्का डाइट लेता हूँ, और फिर रात के 8 बजे डाइट लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, सिर्फ पानी पीता हूँ। इस बात का तो ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जो फास्टिंग का पीरियड रहता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये पता चल ही गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, अब कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि कौन सा पीरियड जो है वो आप खाएंगे और कौन सा पीरियड नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं क्या करता हूँ, कैसे खाता पीता हूँ, ये मैं अपना डाइट आपको बता रहा हूँ। आप जैसे भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पीता हूँ, या तो नींबू निचोड़ के आप पानी पी सकते हैं, आपको अपना वज़न कम करना है तो। और
अरे फिर मैं ग्रीन टी लेता हूँ। मैं 10 बजे एक्सरसाइज करता हूँ और 10 से 12 के बीच में एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर नहा आ के मैं प्रोटीन पाउडर पीता हूँ, फिर अपना जो फर्स्ट डाइट है वो मैं लेता हूँ। तो वो डाइट ख़त्म करने के बाद फिर दिन भर कुछ नहीं खाना पीना, कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, सिर्फ पानी पीता हूँ। और शाम को 4 बजे फिर मैं हल्का फुल्का डाइट लेता हूँ, कुछ भी जैसे रोस्टेड चना वगैरह जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है तो वो मैं लेता हूँ। और फिर रात को 8 बजे भी मैं लिमिटेड ही खाना खाता हूँ, मतलब 2 रोटी दाल सब्जी वगैरह, अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन अंडा वगैरह खा सकते हैं। इसमें लेस ऑयल जो है चीज़ें बनानी होती हैं, या नो ऑयल आप खा सकते हैं। आपको मतलब तला भुना मसालेदार ये नहीं खाना है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो लेनी है, जितने भी जो सीड्स होते हैं जैसे चना मटर मूंग वगैरह, जो काबली चना हो गया, राजमा हो गया, तो ये सब चीज़ें लेनी है। पनीर हो गया, दाल आपको लेनी है, दाल आपको पीना है, चिकन जो ब्रेस्ट पीस होता है वो आपको खाना है अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। एग्स खा सकते हैं, एग भी आपको ज़्यादा नहीं खाना है, मतलब 3 से 4, उसमें भी येलो पार्ट नहीं खाना है, जो व्हाइट पार्ट है वो खाना है। तो प्रोटीन वाली चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है, और लिक्विड आपको पानी लेना है। बाकी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं जिसमें कैलोरीज होती है वो आपको नहीं लेना है, जो भी लिक्विड लेना है वो ज़ीरो कैलोरीज वाली लेनी है आपको। और आपको ब्लैक कॉफ़ी पीना है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, विदाउट शुगर वाली चाय पी सकते हैं, बिना दूध वाली पी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ऐसे करना है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। और ये इस जो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये आपको केवल 5 से 6 हफ्ते ही करनी है, 5 से 6 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, बिकॉज़ उसके बाद आपके शरीर पर असर पड़ना चालू हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मैक्सिमम पीरियड जो है 5 से 6 हफ्ते की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं आप। लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था और इस ईयर भी मैं यही करने वाला हूँ। आज से मेरा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो शुरू हो गया है, तो सेम टू सेम मैं लास्ट ईयर की तरह रिपीट करने वाला हूँ। और यकीन मानिए, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, 5 से 6 हफ्ते में करीब 5 से 6 kg वज़न जो है वो आपका कम हो जाता है। एक्सरसाइज तो ज़रूर करना है, आप कोई सा भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना, साइकिलिंग कर सकते हैं, या आप जिम जा सकते हैं, है ना, या आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मतलब एक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पीरियड मैंने रखा हुआ है सुबह 10 से 12 के बीच का रखा हुआ है कि एक्सरसाइज ख़त्म करके, और ये जो डाइट लेना है ये पहला डाइट जो आपका टाइमिंग है उसी टाइम पे लेना है, जैसे मैं 12 बजे लेता हूँ। और आप एक फ्रूट ले सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा सा प्रोटीन शेक, और उसके साथ कोई एक फ्रूट, केला, एप्पल, जो भी आपका पसंदीदा हो वो आप ले सकते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर आपको अपना पहला जो डाइट है वो लेना है। तो इस तरीके से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह, तो आप बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ भी मत करें। ऐसा कुछ भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आप अपनाएं मत, वो आप अपने डॉक्टर को पूछ के जैसा आपका डॉक्टर बताए आपको वैसा ही करना है। ये जो है नॉर्मल लोगों के लिए है, जिन्हें कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसी कोई भी या कोई क्रॉनिकल डिजीज़ नहीं है, तो ये उनके लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी है तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर को पूछ के ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इसी पे है, और कल से जो वीडियो आएगा वो, अभी जब तक मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगा तो पूरे दिन का जो मेरा शेड्यूल है वो सब उस वीडियो में, उस ब्लॉग में रहेगा। तो होपफुली आपको हमारा आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।